हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आर्ट बीट्स। तो आज हम करेंगे उस पोर्ट्रेट का पार्ट टू, जो कि था एक पेंसिल शेडिंग ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी तक उस वीडियो के पार्ट वन को नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अगर आप चाहते हो तो ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को अंत तक देखो, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो। अब उसी पेंटिंग में लौट के आ गया। अब मेरे पास टॉम्बो इरोजर नहीं है, इसीलिए मैं व्हाइट कलर से कर लूँगा बालों का हाईलाइट। आप देख सकते हैं कि व्हाइट कलर कितने अच्छे से हाईलाइट हो रहा है, तो इसी तरीके से मैं पूरा कर लूँगा। ये आपको सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा दे देते हो तो आपका पेंटिंग पूरा सफ़ेद हो जाएगा, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ हाइलाइटेड पार्ट्स के लिए इस्तेमाल करना है। और आप जब वाइट कलर इसमें इस्तेमाल करोगे तो आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपका जो कलर है वो थोड़ा सा हार्ड रहे, नहीं तो ये स्प्लिट कर जाएगा और पेंटिंग को पूरा बिगाड़ देगा। तो चलो आगे देख लेते हैं कैसे करना है। तो आप देख सकते हो मैं बारीकी से ये कर रहा हूँ डिटेल में, ताकि इसका जो हेयर टेक्सचर है वो आ जाए। अब मैं कर लूँगा इस पार्ट को ब्लैक, जो कि होगा कॉलर पार्ट। मैं इस यहाँ पे चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहे तो ग्रेफाइट 10B से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ग्लो जो है वो चारकोल पेंसिल के बगैर आ सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा चारकोल पेंसिल इस्तेमाल करने का, मेरा भी वही सलाह रहेगा। तो धीरे धीरे मैं कर लूँगा इसको ब्लैक। आप देख सकते हो और एक चीज़ कि ये चारकोल पेंसिल का फिनिश पूरा मैट ब्लैक की तरह आता है। आप यहाँ पे मैट ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है। और मैं कर लूँगा बियर्ड का हाईलाइट। आप देख सकते हो कि कैसे मैं बियर्ड का हाईलाइट, पहले बियर्ड बहुत ही सीधा लग रहा था, अब लग रहा है ना थोड़ा सा ओरिजिनल, क्योंकि अब बियर्ड में जो हेयर शेडिंग है वो आ गया है। अब के पास अगर टॉम्बो इरेजर है तो आप उससे भी कर सकते हो, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं उससे नहीं कर पाया। तो चलो आगे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे भी कर लूँगा थोड़ा सा बियर्ड शेडिंग, ताकि जो फ्लफीनेस है वो आ जाए। अब मैं कर लूँगा ड्रेस का शेडिंग। ड्रेस आपको पहले ही 8B पेंसिल के साथ जो हाईलाइटेड पार्ट से उसको करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 8B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ना हो आप 10B का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये धीरे धीरे टिश्यू पेपर के साथ मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं कर लूँगा शॉल टाइप। अब मैं कर लूँगा इसको और एक बार अच्छे से ब्लेंड। और अब मैं मेरा इरेजर लेके जो हाईलाइटेड पार्ट से उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँगा। आप देख सकते हो इससे ये रियल लगेगा। तो हो गया है मेरा पेंटिंग पूरा कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, वो आप कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर देना। और हाँ, अगर अब तक आपने पार्ट वन को नहीं देखा है तो जल्दी जाओ पार्ट वन को भी देख लो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।